तेरे बाबा और मेरी हिम्मत सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने की थी बेटा, और हमने वो कल्पी की पढ़ाई पे सब डाल दिया, इसलिए कि कल्पी बड़ी होके मैडम बने, उसकी आई की तरह काम वाली बाई नहीं। पापा, आई की एक एक बात मुझे चोट पहुंचाती है। आई को क्यों नहीं दिखता, घर में इतनी मुश्किल थी फिर भी आई ने मुझे बोर्डिंग में रखा, क्यों? क्योंकि आई पाखी के करीब रहना चाहती थी, आई ने झट से मुझे अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन दादा को अपने पास ही रखा ना। और किसके फोन कॉल का इंतजार था? राघव सिंघानिया। बड़े कमजोर निकले तुम, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ा। तू सीधे सीधे मिल लेता तो फिर ये उल्टा कदम उठाना ही नहीं पड़ता ना। और वैसे भी मेरा मानना है, बिजनेस में सक्सेस के लिए कोई भी नाजायज तरीका जायज होता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल? कल तक तो कल्पी का सारा फ्यूचर फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, आज ही मिल लेते हैं तुम्हारी साइट पर अगले एक घंटे में। डन। आज मैं भी देख लूं ये राघव सिंघानिया चीज क्या है। मुझे कल्पी की मदद करनी ही पड़ेगी। मुझसे पंगा लेने का मतलब? तू मेरे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों है? तुझे लड़ना है मुझसे तो लड़ना, आ मार्केट में लड़ते हैं। अब क्यों लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? देख, पहलिया मत पूछा, तू नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? वेल, सच तो ये है, इन सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन? राघव सिंघानी। मैं समझा नहीं। मैं राघव सिंघानिया नहीं हूं, मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसके कहने पर यहां पर आया। तुम अपने सवालों के जवाब राघव सिंघानिया से लेना, लेकिन उन सवालों के जवाब कौन देगा जो वो तुमसे पूछने वाली है? कल्पी माफी नहीं मांगेगी तो उसका भविष्य, उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं उसकी आई हूं, मेरा काम है उसको सही रास्ता दिखाना, उसे यहां तक भी मैं ही लेकर आई हूं ना। आज भैया की गलती की वजह से कल्पी को रस्टिकेट कर देंगे, वो अपने एक साल खो देगी, कमला मां का सपना टूट जाएगा। तभी सोचा आप दोनों ने? कमला मां, आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करिए। मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने वही किया। मेरी कल्पना ने आपका क्या बिगाड़ा है, बोलिए? आपको कोई हक नहीं बनता मेम साहब, बार बार मेरी कल्पना की जिंदगी में आके उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। और ना मेरे और मेरे परिवार के बीच आने की सोचना। बाकी आज मुझे मत रो बेटा।